द्वारा आपके माध्यम से मैं गृह डिपार्टमेंट को एक डिमांड करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर जितनी जेल है और उस जेलों के अंदर जो मुस्लिम कैदी अलग अलग केसों के अंदर बंद रहते हैं, उसमें जो पिछला रमजान महीना गया, कई जेल के अंदर जो रमजान महीने के अंदर जो रोजा रखना रहता है मुस्लिम समाज के लोगों को, तो उसके अंदर जो रोजा पकड़ने के लिए जो सहरी किया जाता है रात में 4 बजे 4:30 बजे और उसके बाद जो रोजा छोड़ा जाता है अफ्तार के टाइम पर, वहां पर जेल प्रशासन को गृह डिपार्टमेंट ने माननीय मुख्यमंत्री साहब ने एक आदेश देना चाहिए कि वहां के हर जेल के शहर के अंदर जो संबंधित जो समाज की जो तंजीमें रहती है उन लोगों को वहां पर सहरी और अफ्तार का इंतजाम करना चाहिए, और उसी के साथ साथ जो रात की जो तरावी की नमाज जो पवित्र नमाज रहती है उसके लिए भी इस जेल के अंदर एक टाइम रात के अंदर जो नमाज होती है उसके अंदर भी जेलर के माध्यम से उनको एक ऑफिस या मौलाना को अंदर बुलाकर वहां पर उन लोगों को नमाज पढ़ने की भी व्यवस्था करना चाहिए, और वहां के सभी लोगों को, इसलिए सरकार अगर ये काम करती है, गृह डिपार्टमेंट ये काम करता है, तो जरूर एक अच्छा काम और एक पवित्र काम सरकार के माध्यम से होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब से मैं निवेदन करता हूँ, और अक्षत्य के मुद्दे द्वारा ये डिमांड पूरी होगी ऐसी अपेक्षा करता हूँ।